नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। कैसे हैं सभी? एक बहुत जरूरी सूचना आप सभी लोगों के लिए है केबीएस के रिगार्डिंग। अभी केबीएस ने कट ऑफ जारी कर दिया है, किसके लिए? असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए और पीआरटी म्यूजिक के लिए। जो उसने इंटरव्यू के लिए 3 रिजल्ट निकाले हैं उसके लिए कट ऑफ जारी किया है। और बहुत सारे बच्चे इस असमंजस में है कि लगातार पूछ रहे हैं कि सर इसमें तो नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट था, फिर इसका कट ऑफ ऐसे कैसे आ गया, कट ऑफ पे क्या नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट है? पहली बात तो मैं बच्चों बता दूं कि केवीएस ने साफ साफ इस बात को डिस्क्लोज किया था कि ऐसे पद जो जो मल्टीपल शिफ्ट में जिनके पेपर हुए हैं उनके लिए केवल नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल बेसिस पे होगा। ये मैं आपको बहुत पहले भी बता दिया, कल के वीडियो में भी बता दिया, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए केवल होगा, बाकी जिसके लिए ऑलरेडी इंटरव्यू चल रहे हैं उनका कट ऑफ जारी किया है। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा जो केवीएस के पीआरटी जेएससी लाइब्रेरी के पोस्ट है जिनमें नॉर्मलाइजेशन लगना है, उनका भी आपका क्या आ जाएगा? पहले रिजल्ट घोषित किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आपका कट ऑफ भी जारी किया जाएगा। क्या है वो पूरा मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, कट ऑफ कितना गया है और क्या आपका रह सकता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पीआरटी म्यूजिक असिस्टेंट कमिश्नर। और फिर आपका जो प्रिंसिपल के पद के लिए थे उनकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि आखिर जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। और अगर यहाँ पे देखो प्रिंसिपल का 203 कट ऑफ गया है अनरिजर्व कैटेगरी का, मतलब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो अगर प्रिंसिपल का या असिस्टेंट कमिश्नर का जो पोस्ट थी इसके लिए जो टोटल पेपर हुआ था वो 300 नंबर का पेपर हुआ था, और 300 में से 203 कट ऑफ जा रहा है, लगभग 66%, 66 से 67% कट ऑफ आपका प्रिंसिपल पोस्ट के लिए थी। हालांकि इसमें कम इसलिए है, 67% कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत कम फॉर्म ही अप्लाई होते हैं, इनके पेपर भी अलग लेवल के होते हैं, इनपे जो एलिजिबिलिटी होती है वो अलग होती है। थोड़ा सा आइडिया अगर आपको लेना है बाकी जनरल कट ऑफ, जैसे जो पीआरटी वाले बच्चे हैं या जो नॉन टीचिंग पोस्ट वाले बच्चे हैं जैसे जेएससी वाले बच्चे हैं, वो अगर कुछ कट ऑफ का आइडिया लेना चाहते हैं तो वो आप क्या देखो, आप प्राइमरी टीचर म्यूजिक वाला देखो, इनका जो पेपर था वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे पीआरटी जो सिंपल वाले थे वैसे, पीआरटी जनरल पोस्ट जो थी उनका 180 मार्क्स का ये भी था, 180 मार्क्स का ये भी था और 138 कट ऑफ गई है। ये कट ऑफ आपको काफी ज्यादा दिख रही होगी, काफी ज्यादा लग रही होगी। बहुत लोग बोल रहे थे 120 जाएगी कट ऑफ, 115 जाएगी, मैं तब भी बोल रहा था कि कट ऑफ यहाँ पे बहुत कम नहीं जाएगी। हालांकि अगर हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी म्यूजिक में, ठीक है, पीआरटी म्यूजिक में जो है वो आपके पद जो थे वो केवल 303 थे, 303 पोस्ट थे, ठीक है, जो पोस्ट थे 303 थे, और जो पीआरटी जनरल है उसमें 6414 पद हैं। तो इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा कम आना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक फैक्टर और काम करता है कि पीआरटी जनरल के लिए क्या होता है, फॉर्म भी तो ज्यादा पड़े हैं, सबसे ज्यादा जो फॉर्म पड़े हैं वो किसके लिए पड़े हैं, पीआरटी जनरल एग्जामिनेशन के लिए पड़े हैं। तो कट ऑफ आपका लगभग यही जाना रहेगा। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखोगे जो एनालिसिस करके मैंने आपको कट ऑफ का बताया था, मैं उससे बताया था कि बहुत सारे बच्चे मुझसे हो सकता है कि यहाँ पे रूठ जाए, मुझसे नाराज हो जाए कि मैं इतना हाई कट ऑफ बता रहा हूँ। लेकिन बच्चों देखो मेरा कोई मकसद ये नहीं था कि मैं आपको झूठे तसल्ली देके और बोलूं कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी, 180 में 130 से 140 के बीच में पहले भी यही संभावना थी, आज भी यही संभावना, और ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है 180 में 138 मतलब 140 के करीब छू रहा है ना, करीबन 75 से 80% के बीच में जो स्कोर जा रहा है वही जाएगा आपका। हो सकता है ये एक दो नंबर कम हो जाए, एक दो नंबर ज्यादा हो जाए, इसी कारण से मैंने +5 का टॉलरेंस लिया था। तो बहुत अगर कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा तो उसका इससे 10 नंबर नीचे जाएगा, पीआरटी जनरल वालों का इससे नीचे नहीं जाएगा, 127-128 से नीचे तो किसी कीमत पे नहीं जाना है, इस बात को समझिएगा। बाकी कट ऑफ 130 वाले फिगर में रहेगा। अब 130 से कितना प्लस रहता है, 130 से कितना माइनस रहता है, ये हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। दूसरी बात की अब क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है तो बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ आएगा वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये जो आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है ये स्कोर बेस पे नहीं हो रहा है, ये परसेंटाइल बेसिस पे हो रहा है। जैसे मैं अगर इन शॉर्ट आपको समझाना चाहूं, इन शॉर्ट हाँ थोड़ा सा अगर मैं आपको यहां पर समझाऊं कि ये कैसे आपका काम करेगा, तो काम आपका इस तरीके से करेगा कि अलग अलग शिफ्ट, मान के चलो कि ये शिफ्ट ए है, ये शिफ्ट बी है, ये अलग अलग डे पे, और ये शिफ्ट सी है, इसमें कोई बच्चा 180 में से 135 पाके सपोज करो 90 परसेंटाइल पा रहा है, 90 परसेंटाइल। अच्छा परसेंटाइल निकलता है, ये परसेंटेज और परसेंटाइल अलग होता है, परसेंटाइल मतलब होता है रैंक, परसेंटाइल मतलब क्या होता है रैंक होता है, मतलब कि आपकी आपके नीचे कितने बच्चे हैं या आप कितने बच्चों के ऊपर हो। 100 परसेंटाइल मतलब ये कि आप सारे बच्चों के ऊपर हो,
99 परसेंटाइल, मतलब ये कि जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे थे, जैसे आपके शिफ्ट में, शिफ्ट ए में सपोज करो 50,000 बच्चे हैं, सपोज करो 50,000 बच्चे हैं, और अगर आपकी 100 परसेंटाइल है, इसका मतलब आप पहली रैंक पे हो, आपसे 49,999 बच्चे पीछे हैं। तो इस टाइप के परसेंटाइल में कभी 100 परसेंटाइल नहीं बनता है, 99.99 परसेंटाइल बनता है, कभी भी 100 परसेंटाइल का गेम होता नहीं है। कारण, क्योंकि हम उससे एक जब नीचे देखते हैं तो 49,999 बच्चे उनसे नीचे होते हैं। तो ये रैंक बताता है। 90 परसेंटाइल मतलब कि आपसे आप 10% बच्चे आप क्या है, आपके ऊपर है, बाकी 90% बच्चे क्या है, नीचे है। टोटल बच्चे जितने इस शिफ्ट में एग्जाम दिए थे उनकी बात हो रहा है। तो ये रैंक बताता है। इससे रैंक अलग अलग से सेम रैंक वाले बच्चों को एक साथ ले लिया जाएगा, ऐसे आपका नॉमिनेशन होगा, स्कोर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखोगे कि किसी शिफ्ट में 130 वाला बच्चा, तो हो सकता है किसी शिफ्ट में 120 वाला बच्चा, दोनों ही क्या हो जाए, सिलेक्टेड हो जाए इंटरव्यू के लिए, लेकिन वो तभी सिलेक्ट होंगे जब दोनों के क्या होंगे, परसेंटाइल समान होंगे। तो परसेंटाइल के हिसाब से नॉर्मलाइज होगा, इस पे किसी को फायदा नुकसान नहीं होता। शिफ्ट आपका कैसा भी हो, आपकी अपनी रैंक बताती है कि आप पर्टिकुलर शिफ्ट में किस रैंक पे हो, उस रैंक के आधारित आपका क्या होगा जाएगा। तो अब ये बोला जाए कि आपका कट ऑफ किसके बिहाफ पे होगा, जीएससी की बात करूं मैं या पीआरटी म्यूजिक पीआरटी जनरल की बात करूं, तो किसके बिहाफ पे होगा, स्कोर के बिहाफ पे नहीं होगा, परसेंटाइल के बिहाफ पे होगा। और अब देखते हैं कि कितना परसेंटाइल जाता है। मेरे हिसाब से 94-95 परसेंटाइल के ऊपर रहना चाहिए जो आपका कट ऑफ बनेगा। तो अब जो कट ऑफ होगा वो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, सामने ये वीडियो बनाऊंगा कि परसेंटाइल के हिसाब से कट ऑफ होगा, इसके हिसाब से होगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, और अगर मुझसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या आप कमेंट में एक बार मुझे बताते रहे कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं पीआरटी जनरल या जैसे में, उस बिहाफ पे मैं आपका एक बार आइडिया लेके बता दूंगा कि कैसे कितने परसेंटाइल वाले बच्चे क्या होते हैं, जा सकते हैं या शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी किसी जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर मौजूद हूँ। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।